हाय, आज हम जानेंगे फंगल इन्फेक्शन में क्या खाएं क्या ना खाएं, यानी परहेज के बारे में। फंगल इन्फेक्शन को टीनिया इन्फेक्शन, डर्मेटोफाइट्स, रिंगवर्म भी कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे ददरू, दिनाय या गजकरण भी कहा जाता है। इसमें रेगुलर दवाइयों के साथ साथ खान पान में परहेज, साफ सफाई में ध्यान रखने से यह प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। खाने में चिकन, मटन, अंडा, पनीर, इमली, बैगन, मीठा खाना जिसमें शक्कर डाली हो, गवार फली, मूंगफली बिल्कुल नहीं खाना है। कचौरी, समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर, तली मसाले वाली चीज़ें अवॉइड करें। दिन में 2 बार नहाना है। नहाने के बाद टॉवल से बॉडी को अच्छे से सुखाना है और धुले साफ सुथरे ढीले कपड़े पहनना है। जीन्स जैकेट अवॉइड करना है। यदि किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन हो तो उसे अपने अंडर गारमेंट्स धूप में सुखाकर या फिर इस्त्री करके पहनना चाहिए। बारिश के दिनों में बारिश से भीगे कपड़े नहीं पहनना है, इससे जलन होने लगती है। नहाने के पानी में डेटॉल, नीम के पत्ते नहीं डालना है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाई का पूरा कोर्स करें। आराम पड़ने पर भी डॉक्टर को बिना पूछे दवाई बंद नहीं करना। मार्केट से खुद का ट्रीटमेंट खुद ना करें, क्रीम ना लगाएं, प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट कराएं। यूट्यूब, सोशल मीडिया या कहीं सुनी बातों पर यकीन करके अपने मन माफिक दवाइयाँ ना खाएं, इनसे नुकसान होता है। अपने डॉक्टर पर भरोसा रखें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें तो फंगल इन्फेक्शन हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना है यह जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करें।